एनसीसी कैडेट्स के साथ पश्चिम बंगाल में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ वहां पर भेदभाव किया जा रहा है, वो देखिए आप। बंगाल में 40,000 एनसीसी कैडेट्स का भविष्य खतरे में है। ममता सरकार ने एनसीसी का 10 करोड़ रुपए का फंड रोका हुआ है। कैडेट अगले साल बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। कैडेट्स को सेना, नेवी, एयरफोर्स में जाने का जो सपना है वो अधर में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उनका फंड जारी नहीं कर रही है जिसके जरिए कैंप लगे हों, और इनकी संख्या बहुत बड़ी है। एक दो नहीं, करीब 40,000 एनसीसी कैडेट्स हैं जिनका भविष्य अधर में लटक रहा है। तो एनसीसी कैडेट्स के सामने क्या लाचारी है, उनकी जुबान से आपको सुनाते हैं। हमारा ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए ये बजट नहीं पास होने के कारण, जिसके कारण हमने जिस रीज़न से एनसीसी ज्वाइन किया था वो रीज़न हमारा ये था कि हम गवर्नमेंट जॉब में जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं एनसीसी कैडेट होने के नाते, वो हमारा नहीं मिलेगा। तो उसके कारण एक पर्पस जो हमारा था एनसीसी ज्वाइन करने का, वही पूरी तरीके से निष्कर्षित हो जाएगा। अच्छा। चिंता तो है हमें सबसे बड़ा कि हमारा एनसीसी अगर कम्प्लीट नहीं होता है तो, जैसे मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है तो मैं उसके लिए और मुसीबत, हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। और आर्मी के अलावा भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसके लिए भी हमें यहाँ पे सिखलाया जाता है कि कैसे तैयारी करें, बाकी को कैसे ट्रेन करें हमें, तो उसके लिए भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बंगाल में एनसीसी कैडेट्स की क्या दिक्कत है, एनसीसी कैडेट्स को क्यों अपना भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है, लाउड एंड क्लियर ग्राफिक्स आपके सामने लेकर आते हैं और फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनसीसी के लिए केंद्र की तरफ से 75% फंड दिया जाता है और राज्य की तरफ से एनसीसी के लिए 25% फंड होता है। बंगाल में दिक्कत यह है कि वहां पर फंड की कमी की वजह से कैंप नहीं लग रहे हैं। बी सर्टिफिकेट के लिए एक कैंप जरूरी होता है और सी सर्टिफिकेट के लिए दो कैंप्स जरूरी होते हैं, लेकिन जब फंड ही नहीं है तो कैंप लगे कैसे और बच्चे कैंप अटेंड करें कैसे। सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तो सेना में जाने का चांस कम होगा, अग्निवीर जैसी योजना पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये यहां पर बहुत बड़ा अहम एक बच्चों के सामने सवाल है। क्या कह रहे हैं ऑफिसर्स, पश्चिम बंगाल एनसीसी कैडेट्स में भविष्य के साथ कैसे वहां पर खिलवाड़ हो रहा है, जरा सुनिए। मिलिट्री कैंप जो होते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए, वो अगर ये बच्चे हमारे पश्चिम बंगाल के नहीं अटेंड करेंगे तो फिर वो बी सर्टिफिकेट से भी वंचित होंगे और सी से भी होंगे। और ये सर्टिफिकेट का महत्व ये है कि सीडीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें रिटेन टेस्ट एग्जेम्प्टेड है, एसएसबी के इंटरव्यू में डायरेक्ट इनको भेजा जाता है, जो 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में लाते हैं और अल्फा ग्रेडिंग लाते हैं सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, तो ये थोड़ा टेंशन वाली बात हो गई है। और देखिए, बीजेपी का इस पर रिएक्शन आ गया है, इस पर राजनीति शुरू हो गई है, बीजेपी ने इस पर इसको लेकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसको लेकर क्या कहा है वो अब आपको सुनाते हैं। बड़ा लाउड एंड क्लियर हमला है बीजेपी का, एनसीसी कैडेट्स के बहाने बीजेपी ममता सरकार पर निशाना साध रही है और कह रही है कि केंद्र पैसा भेजता है लेकिन एनसीसी को पैसा नहीं दिया जाता। वो बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, ये सरकार केवल कर्मचारियों को वेतन देने में इनकी पैसा नहीं है और अपने पार्टी वालों को पालने में इनकी सारी पैसा जाती है, और जितना पैसा केंद्र से आता है वो काटमानी के रूप में पार्टी फंड में चला जाता है। इसलिए किसी प्रकार एक्टिविटी, खेल कूद से लेकर इस प्रकार जो जरूरी एक्टिविटी, वो नहीं हो पाता। और जल्दी से रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रविशंकर, 40,000 बच्चे इस तरह से अभी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, क्या कह रही है सरकार, आखिर फंड क्यों नहीं दे रही है ममता सरकार एनसीसी बच्चों का? देखिए, यहाँ पे दो मुद्दा सामने आता है कि ममता सरकार के तरफ से जो आरोप उठा है कि वो 25% जो पैसा है उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अगर राज्य सरकार भी पैसा नहीं दे रहा है तो केंद्र का जो फंड है वो भी रुका रहता है। मतलब यहाँ पे मुद्दा ऐसा है, जब तक राज्य सरकार यहाँ पे फंड नहीं देंगे तो केंद्र सरकार भी यहाँ पे फंड आपको नहीं दे सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दो साल में करीब 10 करोड़ रुपया है जो कि रुका हुआ है, इसके चलते 40,000 बच्चे जो कि डिफेंस में जाना चाहता है, यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, या तो आर्मी नेवी इसमें जाना चाहता है या तो एसएसबी में जाना चाहते हैं, उनका सारे फंड्स रुके हुए हैं। इनके लिए कैंप नहीं लग रहा है, सी सर्टिफिकेशन बी सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो ये आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में जो उनको कटौती मिलता है वो नहीं मिलेगा, जिसके चलते इनका भर्ती होना। उम्मीद करते हैं रविशंकर की जल्दी से जल्दी इन बच्चों को फंड, चाहे वो केंद्र सरकार से मिलना हो या राज्य सरकार से मिलना हो, तुरंत मिले ताकि वो अपने फ्यूचर को आगे प्लान कर सके, आगे बढ़ सके अपने प्लान्स पर। बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर इन तमाम जानकारियों के लिए।
बाय।